नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई जैसे खस्ता समोसा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो से थोड़ा कम मैदा। उसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा डालूँगी मैं यहाँ पे अजवाइन। तो यहाँ पे हम अच्छे से ये सब मिक्स कर लेंगे, इसलिए नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम 3 से 4 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तेल में ही हमें अच्छे से आटा गूंथ, जैसे हम गूंथते हैं उस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से आटा को तेल में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे ऊपर की जो परत है वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे हमें एकदम नरम आटा नहीं गूंदना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और आटा गूंद रही हूँ। तो ऐसे गूंदते जाना है। तो देखिए, हमें इस तरह का आटा हो जाए तब तक गूंदना है उसे। तो यहाँ हम अंदर के जो हमारा मिक्सचर है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च हम लेंगे, जिस तरह का हमें तीखा पसंद है उस तरह से हम लेंगे। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है, थोड़ा सा जीरा ले लिया है। अगर आपके पास जीरा ना हो तो आप यहाँ पे जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी। ये सब डाल के मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने कसूरी मेथी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला डाल दिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इस सब मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, जिससे हमारा ये सारा मसाला जले नहीं। तो अच्छे से मिक्स कर ले। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है। तो इसमें हमने जो ब्लेंड किया हुआ हमारा जो पेस्ट है वो हम डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, आपको किस तरह का तीखा पसंद है उस हिसाब से। तो मसाला तैयार हो जाने के बाद हम इस तरह से हाथ से आलू को क्रश करके डाल देंगे। यहाँ हमें आलू को एकदम क्रश नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही हमें यहाँ पे रखना है आलू को। तो मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारे आलू को। हमारा आलू का मसाला यहाँ पे तैयार है। तो हमने जो आटा गूंदा है उसमें से हम एक डो लेके अच्छे से एक बड़ी रोटी जैसा बेल लेंगे। बहुत पतली रोटी हमें यहाँ पे नहीं बेलनी है। मैंने यहाँ आप देख सकते हैं किस टेक्सचर तक रखा है रोटी को। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो देखिए, हर तरफ से एक जैसा मैंने बेल लिया है यहाँ पे। जब हमारी रोटी अच्छे से हर तरफ से बेल दे हम, तब हमें क्या करना है, बीच में से उसे काट लेना है। तो देखिए, एक रोटी में से हम 2 समोसे के परत यहाँ पे बना सकते हैं। रोटी की दोनों परत को एक एक करके हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। हर तरफ से किनारी को चेक कर लेंगे और इसमें से हमारा समोसा ऐसे बन रहा है या नहीं वो हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ नीचे की साइड की किनारे पे अच्छे से पानी लगा दूंगी और हर जो 2 किनारे हैं हमें उसे अच्छे से जोड़ लेना है यहाँ पे। देखिए, मैंने किस तरह से जोड़ लिया है यहाँ पे, अच्छे से प्रेस कर लेना है। बीच में हमने जो मसाला बनाया है वो सारा डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मसाला डाल दिया है। ऊपर की जो किनारी बची है उस पे भी हम पानी लगा देंगे और 2 उंगलियों की मदद से
एक छोटा सा टर्न लेके इस तरह से हमें शेप बनाना है। देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं, और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से दबाना है जिससे तलते वक्त हमारा समोसा खुल ना जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे समोसे बना लिए हैं। तो अभी तेल हमारा हो चुका है तो उसमें ये सारे समोसे तल लेंगे। हमें यहाँ मीडियम फ्लेम रखना है और हर तरफ अच्छे से तल लेना है समोसे को गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे समोसे का। हमें और थोड़ा गोल्डन ब्राउन यहाँ पे करना है। तो बस रेडी है यहाँ पे हमारा समोसा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ले लेते हैं हमारी सर्विंग प्लेट में। तो बस आप केचप या ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। एकदम हलवाई जैसे खस्ता समोसे बने हैं यहाँ पे। देखिए तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।